हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कद्दू की सब्जी। तो उसके लिए मैंने लिया है आधा कद्दू, वो भी छोटे छोटे पीसेस में काट के। अब हम कढ़ाई में पैन में तेल गरम करने के लिए रखेंगे। उसमें मैंने डाला है जीरा, राई और मेथी सीड्स, और मैंने दो लाल मिर्च भी डाली है। और उसके बाद मैं डालूँगी एक कटा हुआ प्याज। प्याज को अच्छे से फ्राई करना है। ये कद्दू की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है, आप ज़रूर बना के देखिए। तो हम प्याज अच्छे से फ्राई करेंगे। तो प्याज अच्छे से फ्राई हो रहा है, इसमें मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून ऑफ अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने इसमें डाला है 1 टेबल स्पून ऑफ अदरक लहसुन का पेस्ट और हल्दी, 1 टेबल स्पून ऑफ हल्दी। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो और मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो हमारा प्याज अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हमने इसमें डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, वो भी हमने अच्छे से मिक्स किया है। इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और मैंने इसमें अभी डाला है कटा हुआ टमाटर। मैंने थोड़ा बड़ा काटा है, आप छोटे छोटे साइज में भी टमाटर काट के ले सकते हैं। एक टमाटर डाला है मैंने। उसके बाद मैं डालूंगी इसमें कटे हुए कद्दू, छोटे छोटे पीसेस में काटना है। तो ये मिक्स करेंगे हम अच्छे से, प्याज और कटे हुए कद्दू। अब मैं इसमें कुछ सूखे मसाले डालूंगी, जैसे कि सब्जी मसाला, 1 टेबल स्पून ऑफ सब्जी मसाला, 1 टेबल स्पून ऑफ धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून ऑफ गरम मसाला। इस सभी मसालों को, ड्राई मसालों को एक जैसा मिक्स करना है। ये मिक्स होने के बाद हम इसमें गरम पानी डालेंगे और उसको 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। आपको ड्राई सब्जी पसंद है तो आप ड्राई भी खा सकते हो। किसी को गीली गीली सब्जी पसंद होती है तो वो थोड़ी सी पानी डाल देते हैं। तो मुझे थोड़ी सी गीली सब्जी पसंद है तो मैं इसमें इसलिए पानी डाल दिया है। तो बना के ज़रूर देखना।